अगली खबर का रुख करते हैं। सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय की सरकार नई योजना लाने जा रही है और गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य बनेगा। सीएम साय ने इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अब सड़कों पर भूखे भटकने वाली गायों के लिए नियमित आहार की व्यवस्था की जाएगी। गौवंश अभ्यारण्य के लिए पशुधन विकास विभाग के साथ ही पंचायत, राजस्व और वन विभाग मिलकर योजना बनाएंगे। आवारा गौवंशों के लिए पिछली सरकार ने गौठान योजना बनाई थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए, एक स्टेप आगे लेते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभ्यारण्य की योजना बनाई है और इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठें, उनको ऐसी परेशानी न हो, गायों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहाँ से हटा करके लोगों की सहमति से गाँव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। गौ अभ्यारण्य उन सबको ले जा करके एक अलग स्थान पर रखना जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके, ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सरकार की गौवंश अभ्यारण्य योजना पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले कांग्रेस की गौठान योजना का विरोध करती थी, वहीं गौठान में भ्रष्टाचार के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर उन्होंने पलटवार भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये कहाँ रखेंगे इन जानवरों को? वो कहते हैं जंगल में ले जाकर रखेंगे। क्या शहर से 50-100-200 किलोमीटर ले जाकर उनको रखने की व्यवस्था होगी? हमारे समय में कहीं गौठानों में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। गौशाला, गौठान चलाने का काम ग्राम पंचायतें किया करती थी और गांव के लोग उसमें हिस्सेदारी किया करते थे। तो वो का गाँव के हर व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहेंगे, गाँव के हर सरपंचों को भ्रष्टाचारी कहेंगे। सरकार उसको चलाती नहीं थी, उनको अनुदान देती थी। हर गौठान को 10,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान था, हम लोग देते थे। उसको पंचायत चलाया करती थी और गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग चलाया करते थे। तो भाजपा की नज़र में हर सरपंच और हर गांव का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी, ऐसा है उसका कहना है। तो छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य बनाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आखिरकार सरकार को गायों के संरक्षण की याद आ ही गई। उन्होंने कहा कि गायों के संरक्षण के लिए गौठान योजना से बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती है। अंततः राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गौठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया। गौठान एक ऐसी योजना थी जहां ग्रामवासियों को जोड़ के गायों का, गोवंश का संरक्षण किया जाता था। गोधन न्याय योजना में हर आदमी अपने आप को उसमें समाहित करता था, सबको 2 पैसे का फायदा होता था गोबर बेचने के कारण। इसका फायदा यह होता था कि गायों का संरक्षण भी होता था, उन्हें चारा पानी भी मिलता था और लोगों को लाभ भी मिलता था। तब राजनीतिक विद्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गौठान में आना ही पड़ेगा।